हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रितेश है और मैं आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। हम इस चैनल पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं और जावा कोर्स के अंदर ये सिक्स्थ पार्ट है। पिछले पांच वीडियोस में हमने पांच अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको समरी भी दिख रही होगी। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स और एरेस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप किया था। वहाँ पे हम लोगों ने JDK को इंस्टॉल किया था और कोड लिखने के लिए एक टूल आता है उसको भी इंस्टॉल किया था। तो एक बार जब आप लोगों ने आपके लैपटॉप पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया, उसके बाद आप मेरे साथ साथ यहाँ पे कोड कर सकते हो। आज जिन टॉपिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं कोड भी लिखने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे को यहाँ पे फॉलो करोगे ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे समझने के लिए तीन अलग अलग टॉपिक्स हैं, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स और एरेस। तो इनको हम सबसे पहले कंसेप्चुअली समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। हम जब कोड करते हैं तो कोड के साथ साथ हमें डाटा को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जो भी कोड होता है वो किसी डाटा के ऊपर ऑपरेट करता है। बिना डाटा के कोड का कोई मतलब नहीं है, बिना कोड के डाटा का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 + 2 = 4 है। अगर मुझे दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो एडिशन मेरा यहाँ पे एक लॉजिक है, लेकिन एडिशन जिन नंबर्स के ऊपर ऑपरेट करता है वो तो डाटा हो गया हमारा। तो हम इंसान अपने डे टू डे लाइफ में जो भी डाटा को यूज़ करते हैं, 10, 15, 20, 50, मेरा नाम, आपका नाम, चैनल का नाम, जगह का नाम, ये जो भी है ये सब डाटा ही है। तो इस डाटा को कंप्यूटर में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जावा ने हमें यहाँ पे अलग अलग डाटा टाइप्स अवेलेबल करा रखे हैं। हम इंसानों का जो डाटा होता है उसको हम अलग कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम है वो अलग है, इंटीजर है 10 वो अलग है। तो उस हिसाब से जावा ने यहाँ पे डाटा टाइप्स को क्लासिफाई कर रखा है। जावा के अंदर प्राइमरली दो टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको इसको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब ये सिर्फ यहाँ पे टर्म्स हैं, बट इनका एक्चुअल में मतलब क्या है थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे चार कैटेगरीज मिलती हैं। एक होते हैं हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स। इंटीजर डाटा टाइप्स में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं। वहां पे अगर नंबर के अंदर डेसिमल आ जाता है तो हम नहीं कर सकते। जैसे कि 10, 20, 30, 40 ये सब वैलिड इंटीजर्स हैं, बट 10.3, 7.4 ये इनवैलिड इंटीजर्स हैं। इंटीजर डाटा टाइप्स के बाद आते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स, ये सेकंड कैटेगरी है। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स में हम डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल मतलब ऐसे नंबर्स जिसके अंदर डॉट आता है, 7.4, 6.7, ये जो भी नंबर्स होते हैं इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट को अलग अलग क्यों कैटेगराइज करा हुआ है? फ्लोटिंग पॉइंट में भी तो मैं इंटीजर नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ। 10.0 को मैं फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर कर सकता हूँ और उसको मैं 10 की तरह एज्यूम कर सकता हूँ। हम इंसान तो इस तरीके से ही दुनिया को देखते हैं। तो इसका एक रीज़न है, और इसका रीज़न ये है कि जो इंटीजर नंबर्स होते हैं उसको कंप्यूटर में अलग तरीके से स्टोर किया जाता है, और जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उसको कंप्यूटर में अलग तरीके से स्टोर किया जाता है, और उसके बेसिस पे आपके यहाँ पे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। अगर मैं इंटीजर नंबर को भी फ्लोट की तरह यूज़ करूँगा, फ्लोट में सेव करूँगा, तो मेरे को थोड़ी परफॉर्मेंस कम मिलने वाली है। तो अगर मेरे को सिर्फ इंटीजर की नीड है तो मैं इंटीजर डाटा टाइप्स को यूज़ करूँगा। अगर मुझे इंटीजर के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की भी नीड है, जैसे कि डॉट लगा के कोई भी नंबर स्टोर करना है, तो मैं वहाँ पे फ्लोटिंग वाली कैटेगरी को यूज़ करूँगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड कैटेगरी डाटा टाइप जो है वो है कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जैसे कि मेरा नाम जो है रितेश, रितेश के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग लेटर्स हैं, तो ये कैरेक्टर में जाके स्टोर होता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जापानीज, किसी भी लैंग्वेज के किसी भी करैक्टर को आप करैक्टर डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है फोर्थ कैटेगरी, बुलियन। बुलियन में हम सिर्फ लॉजिकल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। बुलियन में हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। 10 is greater than 9, हाँ भाई ये बिल्कुल सच है, तो ये ट्रू है, तो ये बुलियन में जाएगा। प्रिमिटिव के बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव के अंदर एरेज होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं और क्लास के ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में फर्क क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना।
प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में फ़र्क समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर घुसना पड़ेगा कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसके अंदर हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं। अब जो मेमोरी होती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसके अंदर तो सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं 01 01 01। जब भी हमें किसी डाटा को स्टोर करना पड़ता है तो हमें वहाँ पर मेमोरी तो चाहिए। तो जो भी प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं जावा उसके लिए अपने आप ही मेमोरी को अलोकेट कर देता है। जावा बोलता है यार आप टेंशन मत लो, ये मेरी अटैक है, मैं मेमोरी अलोकेट कर दूंगा। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे मेमोरी को खुद मैन्युअली अलोकेट करना पड़ता है। जावा में मेमोरी को अलोकेट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जब तक मैं न्यू कीवर्ड को यूज नहीं करूँगा तब तक वो जो मेरा लॉजिक है वो सिर्फ लॉजिक है, वो वहाँ पे फिजिकल रियलिटी नहीं बना है। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज़ करता हूँ एक्चुअल में मेमोरी में एक स्पेस अलोकेट हो जाती है मेरे ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ये तो हो गए डाटा टाइप्स। इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या होता है? किसी भी डाटा को हम एक वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं और वेरिएबल को यूज़ करके हम उस डाटा को रिफर करते हैं। वेरिएबल को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है और इनिशियलाइज करना पड़ता है। डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि मैंने जावा को बता दिया कि ये एक वेरिएबल है और ये इस टाइप का है, और इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि मैंने एक्चुअल में उस वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कर दिया। एक वेरिएबल की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसका टाइप, एक उसका नाम और एक उसकी वैल्यू। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम इस टाइप का सिंटैक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइप को यूज़ करा हुआ है, टाइप के बाद मैंने स्पेस छोड़ रखी है, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू साइन और उसके बाद उसकी कुछ वैल्यू। अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेरिएबल को लेके। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। वेरिएबल के नाम में मैं स्मॉल केस लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और नंबर्स को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे के सारे वैलिड हैं, और यहाँ पे इस तरफ जो आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे के सारे इनवैलिड हैं। इनवैलिड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इनवैलिड करेक्टर्स हैं। स्पेस को मैं वेरिएबल के नाम में नहीं डाल सकता, स्लैश हाइफन वगैरह वगैरह ये जो भी इनवैलिड करेक्टर्स हैं उसको मैं वेरिएबल के नाम में नहीं डाल सकता। वेरिएबल को लेकर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज होने का मतलब ये होता है कि जावा के अंदर जो भी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं सारे के सारे वेरिएबल्स का एक टाइप होता है, और उस वेरिएबल के अंदर हम उसी टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं जो उसका टाइप है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ तो मैं उसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकता हूँ, नंबर एक। और एक बार हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं और उसके अंदर किसी भी वैल्यू को स्टोर कर देते हैं उसके बाद जावा ये सारी चीज़ों को चेक करता है। जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं कंपाइल करने के टाइम पे जावा ये मेक श्योर करता है कि जो भी मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं वो बिल्कुल सही करे हैं, उसके अंदर मैंने किसी इनवैलिड वैल्यू को तो स्टोर नहीं कर रखा। अगर मैं एक इंटीजर के अंदर डेसिमल नंबर को स्टोर कर देता हूँ जैसे कि 10.3, तो वहाँ पे जावा एरर थ्रो कर देगा, बोलेगा कि यार ये तो मेरे बस का है नहीं क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करा है बट आप उसके अंदर डेसिमल नंबर को स्टोर करना चाह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। फिर वेरिएबल को लेके एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर ए इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है, इसका नाम जो है वो ए है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो 10 है। जब मैं किसी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज़ करता हूँ उससे पहले मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जब तक मैं वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करता, इनिशियलाइज नहीं करता, तब तक मैं उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकता। ये सब करने के बाद ही मैं वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। जावा इसको भी चेक करता है कंपाइल करने के टाइम पे प्रोग्राम। अगर आपने ऐसा कुछ कोड लिख रखा है जिसमें आप वेरिएबल को पहले यूज़ कर रहे हो और बाद में उसको डिक्लेयर कर रहे हो तो जावा वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इंटीजर ए इक्वल टू 10, इस लाइन के अंदर एक्चुअल में दो काम हो रहे हैं। एक तो मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसके अंदर वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ, मतलब कि उसको मैं इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ये दोनों काम को मैं एक लाइन के अंदर करूँ, मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मैं इसको सबसे पहले इंटीजर ए लिख दूंगा, मतलब कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और फिर आगे प्रोग्राम में कहीं जाके ए इक्वल टू 10 कर दूंगा, मतलब कि पहले मैंने डिक्लेयर करा और बाद में उसको मैंने कहीं नीचे जाके इनिशियलाइज करा। ये भी वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, लेकिन यूज़ करने से पहले आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे।
हमें कभी कभी ऐसे पहले डिक्लेयर करना और बाद में इनिशियलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखते हैं तो वहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू को कहीं से लाना होता है, मतलब कि यहाँ पे तो मैंने वैल्यू को 10 डाल रखा है, बट हो सकता है कि ये वैल्यू को मुझे कहीं डाटाबेस से उठा के लाना हो या कहीं और से लेके आना हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन को अगर आपको समझना है तो इसका मैं बहुत ही आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप ये मान लो कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आपके पास यहाँ पे इंटीजर ए इक्वल टू 10 है, इंटीजर बी इक्वल टू 20 है। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया, आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए। अब आपको इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके किसी थर्ड वेरिएबल में आपको असाइन करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटीजर सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर सी को डिक्लेयर करा, मतलब कि सी एक वेरिएबल है मेरा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी का सम। तो ये है आपका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे ये जो ए प्लस बी है, पहले ए प्लस बी एडिशन होगा, उसके बाद वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको सी में असाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने a प्लस बी करा है, इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने डाटाबेस में डाटा को सेव कर रखा है, तो मैं डाटाबेस से डाटा को लाके यहाँ पे c में असाइन कर सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को उठाते हैं और उनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे चार कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम इंटीजर डाटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जावा के अंदर जो इंटीजर डाटा टाइप्स होते हैं वो साइंड और अनसाइंड दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी डाटा टाइप में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों को स्टोर कर सकते हो। इंटीजर डाटा टाइप्स को अलग से चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे बाइट। बाइट मतलब कि ये एक ऐसा डाटा टाइप होता है जिसके अंदर आप -128 से लेके +127 यानी कि इतनी रेंज की वैल्यूज को आप बाइट में स्टोर कर सकते हो। अगर आपकी रेंज इससे बाहर है तो आप उसको बाइट में स्टोर नहीं कर सकते। बाइट की जो कंप्यूटर में जाके साइज बनती है फिजिकल मेमोरी, वो होती है 8 बिट्स। यहाँ पे बाइट में जो नेगेटिव नंबर की रेंज है वो -128 है और जो पॉजिटिव की रेंज है वो 127 है। तो नेगेटिव में एक नंबर ज़्यादा क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जो जीरो होता है, जीरो को भी हम एक तरीके से पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो जीरो से 127 मतलब कि आपके पास 128 पॉजिटिव नंबर होते हैं और 128 नेगेटिव नंबर होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बाकी सारे इंटीजर डाटा टाइप्स पे भी अप्लाई होता है, कि जो 8 बिट्स है, 8 बिट्स को तो यूज करके मैं 256 नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर तो 128 ही है, तो बाकी 8th बिट कहाँ गया, 2 to the power 7 इज 128, 8th बिट कहाँ गया, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जिसमें मैंने 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। जो हमारा सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होता है वो साइन बिट होता है, मतलब कि अगर मेरा नंबर नेगेटिव है तो वहाँ पे एक तरीके से नेगेटिव साइन स्टोर होगा, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन स्टोर होगा, और बाकी जो 7 बिट्स बचते हैं उसके अंदर आप नंबर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे -56 को स्टोर करना है तो कैसे स्टोर होगा, सबसे पहले तो जो माइनस साइन है वो आपके 8th बिट में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद जो बाकी 7 बिट्स बचते हैं उसके अंदर आप 56 वैल्यू को स्टोर करोगे 01 में कन्वर्ट करके। तो जब हम जावा को वापस से वैल्यू मांगते हैं तो जावा इस मेमोरी स्पेस को देखता है, बोलता है हाँ इसके अंदर जो 8th बिट है वो नेगेटिव है, मतलब कि ये नंबर नेगेटिव है, और बाकी बचे हुए 7 में वो वैल्यू को निकालता है और उन दोनों को कंबाइन करके हमें एक्चुअल में -56 ही मिलता है। अब अगर मुझे बाइट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूँगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे टाइप को यूज़ करना पड़ेगा। टाइप क्या है, आपका बाइट, उसके बाद स्पेस छोड़ के जो भी वेरिएबल का नाम है वो, और इक्वल टू साइन लगा के उसकी वैल्यू। यहाँ पे मैंने एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रखा है और वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर रखा है। मैं इसको अलग अलग लाइंस में भी ब्रेक कर सकता हूँ, इस तरीके से दोनों वैलिड है। बाइट के बाद यहाँ पे आते हैं आपके शॉर्ट। शॉर्ट की जो रेंज होती है वो ये होती है, यहाँ पे नेगेटिव में अगेन एक नंबर ज़्यादा है, पॉजिटिव में एक नंबर कम है, और शॉर्ट का जो साइज होता है वो होता है 16 बिट्स। 16 बिट्स में से हम एक बिट को साइन की तरह यूज़ करते हैं और जो बाकी बचे हुए 15 बिट्स हैं उसमें हम एक्चुअल में वैल्यू को स्टोर करते हैं। अगर मुझे शॉर्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं शॉर्ट को यूज़ करूँगा क्योंकि इसका टाइप शॉर्ट है, उसके बाद स्पेस छोड़ के उसका वेरिएबल का नाम, जो भी मुझे नाम देना है, फिर वापस इक्वल टू साइन लगा के उसकी वैल्यू।
शॉर्ट के अंदर मैं इस रेंज में से कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूँ, ये सब वैलिड है। बाइट के अंदर आप सिर्फ 127 तक ही कर सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। शॉर्ट में आप इतनी रेंज तक जा सकते हो। शॉर्ट के बाद यहाँ पे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर खुद एक कैटेगरी है इंटीजर डाटा टाइप्स के अंदर। इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है यहाँ से यहाँ तक की, मतलब कि इसके अंदर आप बहुत ही बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। अगेन यहाँ पे जो नेगेटिव की तरफ एक नंबर ज्यादा है, पॉजिटिव की तरफ एक नंबर कम है, जीरो को भी हम पॉजिटिव मानते हैं। और इंटीजर का जो साइज बनता है वो बनता है 32 बिट्स। 32 बिट्स में से एक बिट को हम साइन की तरह यूज करते हैं और बाकी बचे हुए 31 बिट्स में हम एक्चुअल में वैल्यू स्टोर करते हैं। जावा के अंदर जब हम इंटीजर्स को स्टोर करते हैं तो इंटीजर सबसे कॉमन टाइप ऑफ डाटा टाइप है। बाइट और शॉर्ट को हम मोस्टली प्रोग्राम में यूज नहीं करते हैं। अगर मुझे छोटे नंबर्स को स्टोर करना है तो भी मैं इंटीजर में करूंगा, बड़े नंबर्स को स्टोर करना है तो भी मैं इंटीजर में करूंगा। जावा के अंदर थोड़ा सा दिमाग होता है, वो थोड़ा स्मार्ट है, और अगर मैं उसके अंदर छोटे नंबर्स को स्टोर करता हूं तो वो अब उस हिसाब से मेमोरी को मैनेज कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे मेमोरी वेस्ट होती है, नहीं, जावा स्मार्ट है। तो आपको मोस्टली बाइट और शॉर्ट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप हमेशा यहाँ पे इंटीजर टाइप को ही यूज करना। इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप टाइप को यूज करो। टाइप क्या है यहाँ पे, int मतलब कि इंटीजर, स्पेस दो, स्पेस देने के बाद वेरिएबल का नाम और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू का आप स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर रखा है, आप इसको अलग अलग लाइन्स में भी ब्रेक कर सकते हो उस तरीके से। इंटीजर के बाद आते हैं यहाँ पे लॉन्ग। लॉन्ग की जो रेंज होती है वो होती है ये रेंज जो है ये इंटीजर से भी बहुत बड़ी है। मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा नंबर स्टोर करना है जो कि इंटीजर में नहीं आ सकता, जैसे कि इलन मस्क के पास इतने पैसे हैं जो आपके इंटीजर में नहीं आ सकते, तो अगर आपको उसको स्टोर करना है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग को यूज करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे नेगेटिव की तरफ एक नंबर ज्यादा है, पॉजिटिव की तरफ एक नंबर कम है, जीरो भी पॉजिटिव है। लॉन्ग की जो साइज होती है वो होती है 64 बिट्स। 64 बिट्स में से एक बिट को हम साइन की तरह यूज करते हैं और बाकी बचे हुए बिट्स में हम एक्चुअल में वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर मुझे लॉन्ग वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लॉन्ग कीवर्ड को यूज कर रखा है, मतलब कि ये वेरिएबल लॉन्ग टाइप का है। फिर स्पेस छोड़ने के बाद वेरिएबल का नाम और उसकी कुछ वैल्यू असाइन कर दी मैंने। तो ये हो गए हमारे इंटीजर डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इंटीजर कैटेगरी में। तो यहाँ पे इंटीजर कैटेगरी के अंदर आपको चार प्रिमिटिव डाटा टाइप्स मिलते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। इसमें मोस्ट कॉमनली हम इंटीजर को यूज करते हैं, इसकी जो रेंज होती है बहुत ही सफिशियंट है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इंटीजर के बाद आते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप में हम ऐसे नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं जिसमें एक्चुअल में डेसिमल आता है, जैसे कि 7.4, 6.8। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आपको दो अलग अलग डाटा टाइप्स मिलते हैं, एक को बोलते हैं हम फ्लोट और दूसरे को बोलते हैं हम डबल। फ्लोट का जो साइज होता है वो होता है 32 बिट्स, डबल का जो साइज होता है वो होता है 64 बिट्स। फ्लोट में बेसिकली सिंगल प्रेसीजन होता है और डबल में आपको डबल प्रेसीजन मिलता है। दुनिया में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हैं, इनको बोलते हैं IEEE स्टैंडर्ड्स। नीचे अगर आपको डिटेल में समझना है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक्स अवेलेबल है। बट वो जो PDF है ना वो मैंने खुद नहीं पढ़ी, मतलब उसको पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि फ्लोट का साइज होता है 32, डबल का साइज होता है 64, फ्लोट की जो रेंज होती है वो इतनी होती है, डबल की जो रेंज होती है वो इतनी होती है। फ्लोट में आपको सिंगल प्रिसीजन मिलता है, डबल के अंदर आपको डबल प्रिसीजन मिलता है। जावा के अंदर हम जब डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं तो जावा बाय डिफॉल्ट उसको डबल ही मानता है। जावा के अंदर जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना है आपको या साइन कोसाइन वगैरह, जो भी ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें नंबर्स पे ऑपरेशंस होते हैं, सारे के सारे डबल ही यूज करते हैं। डबल वेरिएबल्स को हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे वेरिएबल का टाइप डबल है, फिर उसका नाम और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर रखी है। फ्लोट वेरिएबल्स को हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर भी कर रखा है, इनिशियलाइज भी कर रखा है, उसमें कुछ एक वैल्यू असाइन कर रखी है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जब हम फ्लोट वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो वहां पे हमें F लगाना पड़ता है। F लगाने का मतलब ये हुआ कि जावा को मैं ये बता रहा हूँ कि ये फ्लोट है,
वरना जावा बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने कहा डबल को एज्यूम करता है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो डबल को एज्यूम ना करे तो हमें वहाँ पे एफ लगाना पड़ता है। यहाँ पे डबल के केस में मैंने यहाँ पे डी नहीं लगाया, बट फ्लोट के केस में एफ लगाया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमेशा डबल को ही यूज किया जाता है। मतलब 10 साल हो गए मुझे कोड करते, मैंने 2-4 बार ही कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी होगी तो फ्लोट को यूज करा होगा। जनरली हमें हमेशा डबल को ही यूज करना होता है। फ्लोटिंग पॉइंट के बाद यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप। हम इंसान जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, उन सारी लैंग्वेजेस के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर्स होते हैं। ABCD, हाइफन, स्लैश, अंडरस्कोर, डॉट, कॉमा, स्पेस, ये जो भी है ना, इन सब को हम बोलते हैं कैरेक्टर्स। हिंदी के अंदर क ख ग ढ हो गए, चाइनीज के अंदर कुछ अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ये सब कैरेक्टर्स ही हैं, और इनको कैरेक्टर डाटा टाइप में स्टोर किया जाता है। कैरेक्टर डाटा टाइप का जो साइज होता है वो होता है 16 बिट्स। कैरेक्टर वेरिएबल को आप इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो। यहाँ पे char एक कीवर्ड है, मतलब कि ये वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दे रखा है, स्पेस देने का तो उस वेरिएबल का नाम, और उसके बाद उसकी कुछ वैल्यू। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, इनको सिंगल कोट्स के अंदर असाइन कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। इंटीजर में मैंने किसी भी कोट को यूज़ नहीं किया था, बट हम जब करेक्टर को डिफाइन करते हैं तो हमें वहाँ पर सिंगल कोट को यूज़ करना पड़ता है। करेक्टर डाटा टाइप को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन बाय वन उनको समझते हैं। नंबर 1, जावा के अंदर जो करेक्टर डाटा टाइप होता है वो यूनिकोड फॉर्मेट की तरह स्टोर होता है, वहाँ पे यूनिकोड इनकोडिंग यूज़ किया जाता है। अब पिछले 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने इनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करी थी, वहाँ पे हमने डिटेल में समझा था। अगर आप लोगों को इस टॉपिक को लेके कोई डाउट है तो आप एक बार पुराने वीडियोस चेकआउट कर लो कि इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स को हमें 0-1 में बदलना है, तभी तो जाके हम उसको ट्रांजिस्टर में स्टेट चेंज कर पाएंगे। तो कैरेक्टर को 0-1 में बदलने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं इनकोडिंग, और 0-1 से वापस कैरेक्टर में बदलने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो हमारे इंसानों ने जितने भी लैंग्वेज आज तक बनाई है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को हमने एक डेसिमल नंबर असाइन कर रखा है। फिक्स्ड असाइनमेंट है ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन है दुनिया में। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे पास एक ASCII टेबल है, इस ASCII टेबल के अंदर जो A है, कैपिटल A, उसको मैंने 65 नंबर असाइन कर रखा है। तो जब मैं A को स्टोर करूँगा कंप्यूटर के अंदर तो वो कैसे स्टोर होगा? सबसे पहले उसको 65 में बदला जाएगा और फिर 65 को 01 में बदला जाएगा। तो ये जो ASCII टेबल है ना, ये है आपकी इनकोडिंग डिकोडिंग, और ASCII जो है ये एक सबसेट है यूनिकोड का। ASCII के अंदर सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स होते हैं, बट यूनिकोड के अंदर बाकी सारी लैंग्वेजेस भी कवर हैं। तो यहाँ पे जो आपको डेसिमल नंबर्स दिख रहे हैं, इसकी रेंज आपको 127 तक ही मिलेगी, बट हो सकता है कि कोई एक ऐसा करेक्टर हो जो 5,70,000 कुछ हो, क्योंकि वो कहीं आगे जाके हमारी लैंग्वेज में आ रहा है, तो उसका जो डेसिमल नंबर निकल के आया वो हो सकता है 5,00,000 कुछ निकल के आया। तो उस डेसिमल नंबर को भी हम 0-1 में कन्वर्ट करते हैं, हम मतलब कंप्यूटर करके देता है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम या जावा करके देता है। तो इसको बोलते हैं आप कोड पॉइंट्स, यूनिकोड कोड पॉइंट्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है और इसको इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है और इसी तरीके से यूज किया जाता है। कोड पॉइंट्स मतलब कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंपल सा मतलब ये है। जैसे कि A का 65 है तो A का यूनिकोड कोड पॉइंट हो गया आपका 65, यहाँ पे जो B है उसका हो गया 66, C है उसका हो गया 67। तो ये डेसिमल जो कोड पॉइंट्स होते हैं ये 1-1 के इंक्रीमेंट में आगे बढ़ते रहते हैं, और इस तरीके से अगर हम कोई स्माइली यूज करते हैं तो उस स्माइली का भी कोई एक यूनिकोड कोड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ASCII टेबल खोल के दिखा रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ यूनिकोड कोड पॉइंट्स, और यहाँ पे अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ तो मेरे को जो वेबसाइट मिलती है वहाँ पे आप यूनिकोड के सारे कोड पॉइंट्स को जाके देख सकते हो कि कौन सा करेक्टर किस कोड पॉइंट में मैप है। फिर मैं उसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे जावा में लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको रन करूँगा तो वही करेक्टर मुझे यहाँ पे एक्चुअल में प्रिंट होगा। अभी हम इसको कोड करके देखेंगे। अब क्योंकि आपके जो करेक्टर्स होते हैं इंटरनली वो डेसिमल में मैप होते हैं, तो आप जब करेक्टर यहाँ पर डिफाइन करते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली डेसिमल को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे एक करेक्टर की वैल्यू को करेक्टर वेरिएबल में स्टोर करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, करेक्टर CH=A, या फिर ए का जो डेसिमल कोड पॉइंट है 65 में उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ये दोनों के दोनों वैलिड है। अभी कोड करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा,
थोड़ा सा सब्र रखिए, 5 मिनट में कोड होने वाला है। करेक्टर के बाद हम एक चीज को और समझ लेते हैं, वो है स्ट्रिंग्स। एक्चुअल में स्ट्रिंग जो है ये तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, बट इसका करेक्टर से बहुत ज्यादा लेना देना है, तो हम उसको जरा समझ लेते हैं। करेक्टर मतलब कि एक सिंगल करेक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब कि ए सेट ऑफ करेक्टर्स, जैसे कि मेरा नाम है रितेश, इसके अंदर 5 करेक्टर्स है, इन 5 करेक्टर्स को कंबाइन करके हम एक स्ट्रिंग बोलते हैं। एक स्ट्रिंग के अंदर आप कितने भी करेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है उसके अंदर। स्पेसेस भी डाल सकते हो आप, स्पेस भी एक तरीके से करेक्टर है, हाइफन, स्लैशेस, अंडरस्कोर, डिजिट्स, फलाना ढिमाका, जो भी हमारे इंसानों की लैंग्वेज में जो भी करेक्टर्स हैं, उन करेक्टर्स को आप कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना सकते हो। जावा के अंदर जो स्ट्रिंग होती है ये नॉन प्रिमिटिव है, मतलब कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनता है। बाकी जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं वहां पे उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते हैं, वो डायरेक्टली कंप्यूटर में फिजिकल मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं, बट स्ट्रिंग का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मुझे अपना नाम स्टोर करना है तो मैं इस तरीके से करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप को डिफाइन करा, उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम जो है वो है नेम, इक्वल टू लगा के मैंने उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। तो इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब स्ट्रिंग वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हमेशा डबल कोट्स में रखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे रितेश को मैंने डबल कोट्स में रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ना एक्चुअल में 2-4 चीजें हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बन रहा है जिसका नाम होता है नेम, उसका टाइप है स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है स्ट्रिंग का, और उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो है रितेश। तो जो मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। एक मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया नेम, और वो नेम किसी एक ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। तो वहां पे नेम के अंदर रितेश स्टोर नहीं होता, नेम के अंदर एक मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है जो उस ऑब्जेक्ट का होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में ऐसा नहीं होता, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में जो भी हम डाटा टाइप बनाते हैं उन सब की साइज फिक्स होती है, कैरेक्टर की 16 है, इंटीजर की 8 है, इस तरीके से वहां पे सारी साइजेस फिक्स हैं। तो वहां पे जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल, वो फिजिकल मेमोरी डायरेक्टली एलोकेट हो जाती है, वहां पे उतनी साइज की मेमोरी एलोकेट हो जाती है। बट स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग में तो आप कितने भी करेक्टर्स रख सकते हो, 100, 200, 500, 1000, तो वहां पे जो साइज होती है ये अनडिफाइंड है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है। जब भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल को इस तरीके से इनिशियलाइज करते हो तो आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, वो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है वो आपके वेरिएबल के नाम में स्टोर होता है। स्ट्रिंग को लेके एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में डाल रखा है, अब आप सोचो कि ये डबल कोट के अंदर मुझे एक और कोट लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा, इस तरीके से लगाऊंगा? नहीं, यहाँ पे तो 3 कोट्स हो गई मेरे पास। अब जावा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि एंड यहाँ पे हो रहा है या यहाँ पे हो रहा है। तो अब इस टाइप की चीजों को हमें एस्केप करना पड़ता है। एस्केप करने के लिए हम बैक स्लैश का यूज करते हैं। तो अगर मुझे कोट के अंदर कोट्स लगानी है तो मैं अंदर वाली कोट को एस्केप कर दूंगा इस तरीके से, और अब ये मेरी एक वैलिड स्ट्रिंग बन गई। हमारे पास जावा के अंदर कुछ एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब कि हमें कुछ करेक्टर्स को एस्केप करना पड़ता है, कोट्स को हमें एस्केप करना पड़ता है, टैब को हमें एस्केप करना पड़ता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने सारे के सारे एस्केप सीक्वेंसेस को हाईलाइट कर रखा है। कोड में हम इन सबको एक बार कोड करके देख लेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल को बनाने के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज नहीं कर रहा, इवन दो स्ट्रिंग मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो हमें न्यू कीवर्ड को यूज करना पड़ता है, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। ये फंक्शनैलिटी हमें जावा प्रोवाइड करता है सिंप्लिसिटी के लिए। मैं यहाँ पे न्यू लगा के भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकता हूँ इस तरीके से, बट मुझे इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली उसको बिना न्यू लगाए डायरेक्टली उसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज इस तरीके से कर रखा है जैसे ये एक प्रिमिटिव टाइप है, बट अंदर जाके ये एक ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट को रिफर करा जाता है इस वेरिएबल के नाम से। हमने अभी तक 3 प्रिमिटिव टाइप्स को समझ लिया है, तीनों को मैंने यहाँ समराइज कर रखा है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को भी समझ लिया है कि स्ट्रिंग किस तरीके से जावा में काम करती है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट प्रिमिटिव टाइप आता है वो आता है बूलियन। बूलियन बहुत ही सिंपल है। बूलियन के अंदर हम सिर्फ लॉजिकल वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, सिर्फ 2 ही वैल्यू को मैं बूलियन के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। और
ये ऐसी वैल्यूज को स्टोर करने का काम आता है जो आपकी लॉजिकल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 9, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका जो आउटपुट निकलेगा उसको मैं बुलियन में स्टोर करूंगा। बुलियन की जो साइज होती है वो 1 बिट की होती है। अगर वो बिट 0 होता है मतलब कि वो फॉल्स है, और अगर वो बिट 1 होता है मतलब कि उसकी वैल्यू ट्रू है। बुलियन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मैं इस तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप यूज कर रखा है बुलियन, उसके बाद उसका नाम, वेरिएबल का नाम, और इक्वल टू लगा के उसकी कोई वैल्यू, ट्रू फॉल्स। हम यहाँ पे दो वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में 4 कैटेगरीज होती हैं, और उन चारों कैटेगरीज के बारे में हमने एकदम डिटेल में समझ लिया है। यहाँ पे मैंने चारों को एक बार समराइज कर रखा है। इंटीजर के अंदर आपके पास 4 होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आपके पास 2 होते हैं, कैरेक्टर के अंदर आपके पास कैरेक्टर होता है, बुलियन के अंदर आपके पास बुलियन होता है। और हम इंसान जो भी डाटा बनाते हैं, हम उस डाटा को इन 4 कैटेगरीज में फिट कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे जावा में सिर्फ 4 ही डाटा टाइप्स देखने को मिलते हैं प्रिमिटिव में। और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में फर्क आपको समझना होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि जब मेमोरी में जाके ये डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो प्रिमिटिव में डायरेक्टली आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है और उस मेमोरी के अंदर इस वैल्यू को स्टोर कर दिया जाता है। जो भी प्रिमिटिव टाइप्स हैं सबके एक फिक्स्ड साइज होती है, यहाँ पे आपको साइड में साइज भी दिख रही होगी, तो उतनी साइज को आपको एलोकेट कर दिया जाता है और वो आपका बन जाता है एक वेरिएबल, उसको हम आगे जाके रिफर कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव में हमें साइज को मैन्युअली एलोकेट करना पड़ता है न्यू कीवर्ड को यूज करके। एरे आपका नॉन प्रिमिटिव है, स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव है। एरे को तो हम आगे जाके समझेंगे थोड़ी देर में, स्ट्रिंग को हमने समझ लिया है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग का जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने के टाइम पे हमने डिफाइन तो करा है प्रिमिटिव टाइप की तरह, बट एक्चुअल में ये अंदर जाके रिप्रेजेंट होता है नॉन प्रिमिटिव टाइप की तरह। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअल में रितेश नाम की वैल्यू स्टोर होती है, और उस ऑब्जेक्ट को रिफर करा जाता है इस वेरिएबल के थ्रू। ये जो भी काम होता है ये जावा करता है। हमें तो सिर्फ इस वेरिएबल को कहीं पे यूज करना है, तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में हमने जो भी समझा है, एक बार जरा इन सारी चीजों को ना कोड में लिख के देख लेते हैं। तो चलो सिस्टम पे चलते हैं और ये सारे कंसेप्ट्स को कोड में लिख के देखते हैं और वन बाय वन करके समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सिस्टम पे। यहाँ पे मेरे पास इंटेलिजे ओपन कर रखा है मैंने, और यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, एक मेन क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, सबसे सिंपल। चलो मेन क्लास बना ली। अब इसके अंदर एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन बना लेते हैं। यस, अब हमें यहाँ पे दो चार चीजों को समझना है। सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप्स में जैसे इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, करेक्टर होते हैं और बुलियन होते हैं। इंटीजर डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, बाइट, शॉर्ट। तो इनको जरा फटाफट प्रैक्टिकली कर लेते हैं कोड करके। वैसे तो थियोरेटिकली आप लोगों को मैंने समझाया था तो आपको एकदम क्लैरिटी मिल गई होगी, बट एक बार उसका कोड भी लिख के देख लेते हैं। अगर हमें बाइट वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सा है, बाइट लिखेंगे यहाँ पे। बाइट हमारा डाटा टाइप हो गया, इस टाइप का है ये वेरिएबल। उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम, मैं यहाँ पे नाम कुछ भी ले सकता हूँ, अभी मैंने फिलहाल बी ले रखा है। इक्वल टू साइन लगा के उसकी वैल्यू, बाइट के अंदर जो हम वैल्यूज डाल सकते हैं उसकी रेंज होती है, बाइट की जो रेंज होती है वो -128 से लेके +127 तक होती है। तो यहाँ पे अगर मैं 100 डालता हूँ तो ये हमें वैलिड बता रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 200 कर देता हूँ तो बाइट की रेंज 200 नहीं है। अगर हम एरर देखेंगे तो देखो, उसने बोला है कि प्रोवाइडेड इंटीजर बट हमें रिक्वायर्ड है बाइट, क्योंकि 200 बाइट की रेंज से बाहर है। बाइट के बाद अगर मुझे शॉर्ट वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? शॉर्ट उसका नाम दे देंगे और उसके बाद उसकी कुछ वैल्यू। अब जो शॉर्ट की रेंज होती है वो कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक की शॉर्ट की रेंज होती है। तो इस रेंज में मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ शॉर्ट के अंदर। अगर मैं 100 देता हूँ तो ये बिल्कुल सही है, अगर मैं 1000 देता हूँ तो भी ये बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही मैं उसके रेंज से बाहर जाऊंगा 32767, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं इसको इसकी रेंज से बढ़ा देता हूँ तो ये कह रहा है कि नहीं, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि मैं उसकी रेंज से बाहर चला गया शॉर्ट की रेंज से। इस तरीके से हमने यहाँ पे बाइट वेरिएबल बना दिया, शॉर्ट वेरिएबल बना दिया। उसके बाद इंटीजर वेरिएबल बना देते हैं, एक इंटीजर आई इक्वल टू जैसे 40,000।
ये 40,000 जो है ये इंटीजर की रेंज के अंदर है। इसकी जो रेंज होती है इंटीजर की वो बहुत ही बड़ी होती है, ये इतनी बड़ी रेंज है इंटीजर की। दिस इज लाइक 3,362.1 बिलियन, 214 करोड़, ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और आपको यहाँ पे मोस्टली इंटीजर को ही यूज करना है, आपको जब भी आप अपने जावा में कोड लिखोगे तो आपको हमेशा इंटीजर्स को ही यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर दिमाग होता है और वो अपने आप ही मेमोरी को मैनेज कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे अगर इसके अंदर 4 डालता हूँ तो भी मुझे बाइट को यूज करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है, इंटीजर 4 बिल्कुल सही है ये। और जावा ऐसा नहीं है कि वहां पे मेमोरी वेस्ट होती है, वहां पे मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों डाल सकते हैं हम लोग, जैसे कि -40,000 है, ये भी एक वैलिड इंटीजर है। और सबसे लास्ट में आता है लॉन्ग। लॉन्ग जो है ये सबसे लास्ट है, मतलब इसके बाद कोई डाटा टाइप नहीं बचता आपके इंटीजर्स में। और लॉन्ग की जो रेंज होती है वो होती है इतनी। अब आपको ये जो रेंज दिख रही है दिस इज लाइक 10^18, इससे बड़ा नंबर तो हम लोग कभी यूज ही नहीं करते पूरे इंसानों के इतिहास में, इतना बड़ा नंबर हम जनरली कभी यूज नहीं करते। तो इसको भी मैं डाल देता हूँ, जैसे 215, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ये बन गया लॉन्ग यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि मैंने यहाँ पे लास्ट में एल लगाया है, अगर मैं इसको एल नहीं लगाता तो क्या होगा, इसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। एरर क्या कह रहा है कि इंटीजर नंबर 2 लार्ज, मतलब कि वो इसको इंटीजर मान रहा है, इसको लॉन्ग नहीं मान रहा है। मेरे को यहाँ पे एल लगाना पड़ेगा, आप कैपिटल एल स्मॉल एल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। जब हम इसको यहाँ पे एल लगाते हैं तो जावा उसको लॉन्ग की तरह एज्यूम कर लेता है और उसको लॉन्ग वेरिएबल में असाइन कर दिया उसने। तो ये हो गए हमारे इंटीजर डाटा टाइप्स। इनको हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं, प्रिंट करने में ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपको जो वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है वो सेम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि अगर इसको लॉन्ग को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अब मुझे ये प्रोग्राम को रन करना है। प्रोग्राम को रन कैसे करना है, हम यहाँ पे जाएंगे रन में। रन में जाने के बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं यहाँ पे जाके सिंपल सा जावा को चूज कर लेता हूँ। एप्लीकेशन में मैं इसका नाम दे देता हूँ जावा 6। और जो मेरी मेन क्लास है, मेन क्लास का नाम क्या है आपका, मेन, ठीक है। अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद ओके करो और अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे यही प्रिंट हुआ है जो हमने यहाँ पे दे रखा है। बहुत ही सिंपल है ये, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसमें। जो समझने की बात है वो ये है कि यहाँ पे ये जो है ये वेरिएबल्स है। बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 100, एस एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ये, आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ये, इस तरीके से एल की वैल्यू है ये वेरिएबल है जिसका टाइप है लॉन्ग और इसकी वैल्यू है ये। अब यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इंटीजर है मैं इंटीजर के अंदर इंटीजर वैल्यूज को ही डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसके आगे डॉट लगा के मान लो 0.7 डाल देता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर के अंदर हम सिर्फ इंटीजर नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हैं। अगर मुझे डेसिमल नंबर्स को डालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल नंबर्स के लिए मुझे यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स यूज करने पड़ेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स में हमारे पास दो टाइप मिलते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। सिंपल सी बात है, फ्लोट वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसका टाइप होता है फ्लोट, वेरिएबल का नाम इक्वल टू साइन लगा के उसकी कोई वैल्यू, जैसे कि 4.5। अब ये यहाँ पे एरर आ रही है, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है आप जरा खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पे एरर क्यों आ रही है। मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट उसको डबल माना जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डबल है बट हमें चाहिए यहाँ पे फ्लोट। तो अगर मैं इसको फ्लोट में लिखना चाहता हूँ तो मुझे इसको यहाँ पे एफ लगाना पड़ेगा। अब ये फ्लोट में बदल गया, यहाँ पे डबल लगाने के लिए मुझे यहाँ पे डी लगाने की जरूरत नहीं है। 6.7 यहाँ पे मेरे को डी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं लगा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं नहीं लगाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जावा के अंदर जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट उनको डबल माना जाता है। अब अगर मैं इनको प्रिंट करूंगा तो सिंपल सी बात है, इनको भी मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ। जैसे कि मैं डबल को प्रिंट कर देता हूँ, अगर उसको मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये देखो फिर से रन हो गया प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट के बाद आते हैं हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही है, कैरेक्टर CH इक्वल टू, हमें उसको सिंगल कोट्स में डालना होता है, जैसे कि ए। यहाँ पे ABCD कोई भी लैंग्वेज के करेक्टर्स को यूज कर सकता हूँ मैं। और अगर इसको अब प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ पे B प्रिंट हो जाएगा। जावा के अंदर जो करेक्टर डाटा टाइप्स होते हैं, करेक्टर डाटा टाइप्स को यूनिकोड फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है।
अब यूनिकोड फॉर्मेट में स्टोर करने का मतलब आपको मैंने वीडियो में बताया था, बट एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक यूनिकोड चार्ट ओपन कर लेते हैं और एक्चुअल में जो भी करेक्टर्स होते हैं, हम इंसान जो भी करेक्टर्स को यूज करते हैं, सारे करेक्टर्स को हमने एक डेसिमल नंबर असाइन करा होता है, चाहे वो अरेबिक लैंग्वेज हो, चाहे वो हिब्रू लैंग्वेज हो, चाहे वो ग्रीक हो, कोई भी हो। तो अगर मैं ग्रीक में जाता हूँ तो जैसे ओमेगा वाला साइन है, इसका जो हमारा डेसिमल नंबर है वो है 911। तो जब हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पे हमें करेक्टर में हम डायरेक्टली उसकी डेसिमल वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। बी की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो होती है 66। अब अगर मैं इसको वापस से प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे हमें देखो क्या प्रिंट होता है, बी, जबकि यहाँ पे 66 डाल रखा है। क्योंकि जब भी जो भी करेक्टर्स होते हैं, हर एक करेक्टर का एक फिक्स्ड डेसिमल नंबर असाइंड है, ये एक फिक्स्ड असाइनमेंट होता है, और बी का जो असाइनमेंट है वो है 66 और सी का जो असाइनमेंट है वो है 67। ये आ गया यहाँ पे सी। तो इस तरीके से जो यहाँ पे ये ओमेगा साइन है इसका है 911। तो अगर मैं यहाँ पे 911 डाल देता हूँ क्या होगा, ये देखो वो वाला साइन प्रिंट हो गया एग्जैक्टली जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। कहीं आगे चलते हैं, कहीं आगे चलते हैं इस चार्ट के अंदर, और जैसे अरेबिक लेटर है ये वाला 1712, तो मैं इसमें 1712 कर देता हूँ और मैं इसको फिर से प्रिंट करके देखता हूँ क्या प्रिंट होता है। ये अरेबिक सिंबल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब एक बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट है, क्योंकि कैरेक्टर्स को इंटरनली डेसिमल नंबर्स में मैप किया जाता है, तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है देखो जरा, कैरेक्टर CH2 इक्वल टू CH1 प्लस 56, ठीक है, मैंने इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन करके इसको इसमें असाइन कर दिया और अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, ये वाला सिंबल हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। 56 और 12 कितने होते हैं, 68। 1768 का देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पे सिंबल, यही है जो हमारा प्रिंट हुआ है। चलो इसमें 57 प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट होता है या नहीं होता है देखते हैं। इसमें 57 ऐड कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो एग्जैक्टली वही आया जो यहाँ पे है। तो इस तरीके से हमारे जो करेक्टर्स होते हैं उसको जावा में रिप्रेजेंट किया जाता है। करेक्टर्स को हम डेसिमल की तरह भी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसको सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हैं, और अगर हम करेक्टर्स को डेसिमल की तरह यूज करते हैं तो हम उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें मैं माइनस भी कर सकता हूँ, और माइनस करने के बाद हमको यहाँ पे जो मिलेगा वो एक अलग करेक्टर मिलेगा, ये वाला करेक्टर मिल गया हमें यहाँ पे। तो ये तो हो गए करेक्टर्स। करेक्टर के बाद आते हैं बूलियन। बूलियन बहुत ही सिंपल है, बूलियन में आप जैसे उसका टाइप होता है बूलियन, उसको डिक्लेयर करो और उसमें ट्रू या फॉल्स आप दो वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे ट्रू डाल दिया मैंने, अब मैं यहाँ पे फॉल्स को भी असाइन कर सकता हूँ, ये फॉल्स को असाइन कर दिया। सिर्फ ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू जा सकती है बूलियन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे प्रिमिटिव टाइप्स खत्म हो जाता है। अब एक बात यहाँ पे समझने की और है, वो है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे एरर क्या दे रहा है कि ये कह रहा है कि वेरिएबल आई इज ऑलरेडी डिफाइंड। एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं डबल आई। ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि मैंने जावा को यहाँ पे बता दिया कि ये जो मेरा वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है, लेकिन अभी मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है। तो मैं यहाँ पे आया है इक्वल टू 90। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया और अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ वेरिएबल को। जब तक मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करूंगा मैं उसको यूज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे ये क्या एरर दे रहा है कि वेरिएबल आई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करा है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। तो जब तक मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज नहीं करता मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, इंटीजर ए इक्वल टू 90, इंटीजर बी इक्वल टू 80 एंड इंटीजर सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये एरर क्या दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है तो मैं इसको कोई तीसरा नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए टाइप का, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया वापस से
इंटीजर टाइप का, और इन दोनों की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सी में असाइन कर दिया। अब अगर मैं इनको प्रिंट करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बन जाएगा ए जो इंटीजर टाइप का है, फिर एक वेरिएबल बन जाएगा ट्रिपल बी जो भी इंटीजर टाइप का है, और उन दोनों को एडिशन करके एक तीसरा वेरिएबल बन गया जिसके अंदर इन दोनों की वैल्यू असाइन हो गई। तो सी के अंदर इन दोनों की एडिशन करने के बाद जो भी वैल्यू निकलती है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन में वैल्यू क्या आएगा, 170। तो यहाँ पे 170 प्रिंट होना चाहिए, ये रहा। तो ये होता है हमारा डायनामिक इनिशियलाइजेशन। प्रिमिटिव के बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स को भी समझ लेते हैं। स्ट्रिंग जो है जावा के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोट्स में हमें स्ट्रिंग की वैल्यू को डालना है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई जैसे कि मेरा नाम। तो ये हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल को बना दिया। अब ये वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप की तरह डिक्लेयर करा है, बट एक्चुअल में रितेश का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और नेम जो वेरिएबल है ये रितेश की ऑब्जेक्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा अंदर जाके। ठीक है, इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, आपको सेम दिखेगा, रितेश दिखेगा, बट ठीक है उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अब स्ट्रिंग के अंदर एक चीज और समझने की है, वो है एस्केप सिक्वेंसेस। एस्केप सिक्वेंसेस मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे यहाँ पे ये कोट जो है, कोट के अंदर मुझे एक और कोट लगानी है, तो मैं इस तरीके से लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखो जावा कंफ्यूज हो गया है कि वो एंड यहाँ पे हो रहा है या फिर एंड यहाँ पे हो रहा है। तो इस टाइप के कैरेक्टर्स को हमें यहाँ पे एस्केप करना पड़ता है। एस्केप करने के लिए हम हमेशा बैक स्लैश का यूज करते हैं। और एक बात यहाँ पे और है कि हम जब इंटेलिजे में कोड लिखते हैं तो ये सारी की सारी चीजें हमें इंटेलिजे खुद ही बता देता है कि यहाँ पे क्या एरर आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम हमेशा कोड लिखने के लिए आईडीई का यूज करते हैं, हम कभी भी टेक्स्ट एडिटर में कोड नहीं लिखते। तो यहाँ पे मैंने कोड्स को एस्केप कर दिया। इस तरीके से अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ अभी, तो हमें प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे कोड के साथ प्रिंट होगा। ये देखो कोट के साथ प्रिंट हुआ है। यहाँ पे कुछ करेक्टर्स होते हैं जिसको हमें एस्केप करना पड़ता है, जैसे कि सिंगल कोट को भी हमें एस्केप करना पड़ता है, डबल कोट्स को, सिंगल कोट्स को, टैब करेक्टर को एस्केप करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे अब इसको प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं। यहाँ पे टैब करेक्टर आ गया। हमें न्यू लाइन को भी एस्केप करना पड़ता है, स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो अब ये दो लाइन के अंदर प्रिंट होगा, RIT उसके बाद स्लैश एन मतलब कि न्यू लाइन आ गई, और उसके बाद ESH। तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हमें एस्केप करना पड़ता है। जब भी आप जावा में कोड लिखोगे, जब भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल को बनाओगे, तो आप जैसे ही इंटेलिजे को यूज करोगे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को एस्केप करना पड़ता है। अब इसके अंदर एक चीज और है, वो भी समझते हैं, वो है नेमिंग कन्वेंशंस। हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। इंटीजर ए बी सी डी इक्वल टू 90 बिल्कुल सही है, ये इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते जो कि इनवैलिड है, जैसे कि मैं यहाँ पे हाइफन को यूज नहीं कर सकता, इक्वल टू ये सारे के सारे कैरेक्टर्स इनवैलिड है, नाम के अंदर आप इनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई ध्यान रखने की। और दूसरा ये है कि जब हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, मतलब वेरिएबल का जो भी हम नाम देते हैं, उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये हमेशा स्मॉल होगा, बाकी सारे के सारे आपको कैपिटल रखना है। जब हम क्लास का नाम बनाते हैं तो क्लास के नाम में हमें फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल रखना होता है। यहाँ पे जो क्लास का नाम है वो मेन है और मेन के अंदर एम कैपिटल है। जावा जो है, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ध्यान रखना ये बात, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे आपने ये जो हेलो वर्ल्ड बनाया है ये बिल्कुल अलग है, और अगर मैं यहाँ पे एक अलग से हेलो वर्ल्ड बनाता हूँ तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वेरिएबल्स हैं, सेम नहीं है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, जावा को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमने कन्वेंशन बना रखा है कि जब भी हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे हम हमेशा पहला कैरेक्टर को तो स्मॉल रखेंगे, उसके बाद जो भी दूसरा कैरेक्टर आएगा नए वर्ड के अंदर उसको हम कैपिटल रखेंगे। जैसे हेलो वर्ल्ड जो है ये दो अलग अलग वर्ड्स है, मतलब दो अलग अलग शब्द देंगे, तो दोनों शब्द को पहले वाले को स्मॉल रखना है, उसके बाद जितने भी आएंगे उसको आपको कैपिटल रखना है। अब इसने क्या बोला है कि ये आपने ऊपर पहले ही डिक्लेयर कर दिया, इसलिए इसने यहाँ पे एरर दे रखी है। मैं यहाँ पे अगर कोई भी अलग अलग शब्दों को यूज करता हूँ तो मुझे सबके नाम कैपिटल रखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड माय नेम इज रितेश, तो ये एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन को हमें यहाँ पे फॉलो करना है, और नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा स्मॉल होगा, उसके बाद जितने भी अलग अलग
शब्द हैं, सबके जो पहला करेक्टर है वो बड़ा होगा। नेम का पहला बड़ा है, इसका आई बड़ा है, रितेश का आर बड़ा है, वर्ल्ड का डब्ल्यू बड़ा है। फर्स्ट वाले को हमेशा स्मॉल रखना है। ये आपको वेरिएबल के नाम में भी करना है, ये आपको फंक्शन के नाम में भी करना है, हर जगह पे करना है, आर्ग्यूमेंट के नाम में भी करना है। क्लास के केस में आपका फर्स्ट करेक्टर हमेशा बड़ा होगा, बाकी सारे केसेस में आपका फर्स्ट करेक्टर हमेशा छोटा होगा। इसको हम बोलते हैं कैमल केसिंग। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, उसको भी समझ लेते हैं, वो है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो हमने ये जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, इसका स्कोप क्या होता है, एक बार सबको डिलीट कर देते हैं, एम्प्टी हो गया हमारा ये। अब हम स्कोप की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक ये मेथड है, मेथड के अंदर मेथड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। इसके अंदर मैं जो भी वेरिएबल बनाऊंगा वो इसके अंदर ही वैलिड है, इसके बाहर वैलिड नहीं है। जैसे कि इंटीजर i इक्वल टू 10, तो मैं इस i को इस मेथड के अंदर यूज कर सकता हूँ, इसके बाहर यूज नहीं कर सकता। एक बार करके दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे i को यूज नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे i बोल रहा है कि अनडिफाइंड कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल आया, क्योंकि आई को मैंने यहाँ ऊपर बना रखा है, तो उसको मैं उस मेथड में ही यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज तो ये है। और ये जो आर्ग्यूमेंट आते हैं आपको, पैरामीटर्स जो भी आते हैं मेथड के, ये भी आपको इस मेथड के अंदर भी वैलिड है, इससे बाहर ये आर्ग्यूमेंट्स वैलिड नहीं है। अब एक बात और है, यहाँ पे मैं इस मेथड के अंदर भी एक अलग से ब्लॉक बना सकता हूँ, जैसे कि इफ 10 इज ग्रेटर देन 9। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, बट ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। इसके अंदर मैं जो भी वेरिएबल बनाऊंगा, ये वाला वेरिएबल सिर्फ उसका स्कोप यहां तक ही है, जो ये ब्रैकेट लगे हैं इसका स्कोप यहां तक है, इसके बाहर मैं इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं बी को यूज नहीं कर सकता, ये कह रहा है बी कैन नॉट रिजॉल्व सिंपल, क्योंकि बी को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा है, तो इसका स्कोप बन गया ये वाला। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं है, जिस ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो वो उसके अंदर ही वैलिड होता है। अब ये जो आय है, जो आय वेरिएबल है, आय को आपने इसके बाहर डिक्लेयर करा है, तो ये आय इसके अंदर भी यूजेबल है। तो ये एक तरीके से नेस्टिंग है, मतलब ये आय जो है ये आपने बाहर डिक्लेयर कर दिया तो ये इसके अंदर भी वैलिड है, लेकिन ये बी को आपने इसके अंदर डिक्लेयर करा है तो इसके बाहर वैलिड नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है ये। जिस ब्लॉक में वेरिएबल को डिक्लेयर करा जाता है उसका स्कोप वही होता है, उसके बाहर वो काम नहीं करता। ये जो आय है आपने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकता सेम नाम का। जैसे कि अगर मैं बनाने का ट्राई करूं बूलियन आय इक्वल टू ट्रू, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये बोलेगा कि आय इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। मतलब कि ये आय मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो एक वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बना दिया आय का, तो मैं यहाँ पे नहीं बना सकता उसको। ये आए इसके अंदर भी वैलिड है, तो ये दोनों कंफ्लिक्ट हो गए एक तरीके से, दोनों नाम सेम हो गए ना, तो नहीं कर सकता मैं ऐसा। हाँ, लेकिन मैं आई की कुछ वैल्यू असाइन जरूर कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो अब जब मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी तो क्या होगा, यहाँ पे 90 प्रिंट होगा आपका। देखो यहाँ पे हमारा कोड चला, सबसे पहले आई की वैल्यू 10 आ गई, फिर ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, फिर मैंने यहाँ पे बी को बना दिया जिसकी वैल्यू 10 आ गई, लेकिन आई की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 90 कर दिया, तो 90 करने के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू 90 आएगी, फिर हमारा ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से 90 ही रहेगी, तो यहाँ पे दो बार 90 प्रिंट हुआ है। तो ये हो गया आपका स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है इसमें, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। वेरिएबल्स के बाद आते हैं आपके एरेस। तो एरे क्या होते हैं? एरे का मतलब सिंपल सा ये है कि एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर आप सेम टाइप के डाटा को स्टोर कर सको। अगर मुझे 10 इंटीजर्स को स्टोर करना है तो मैं 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने की बजाय मैं एक एरे बना सकता हूँ और उस एरे के अंदर मैं 10 इंटीजर्स को स्टोर कर सकता हूँ। एरेस को लेके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम एरे की मेमोरी को एलोकेट करते हैं न्यू कीवर्ड यूज करके, तो वहाँ पे फिजिकल एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है आपकी, और वो जो फिजिकल मेमोरी एलोकेट होती है वो एक कंटिन्यूस मेमोरी होती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे को इंटीजर एरे बनाना है और उसके अंदर 10 इंटीजर्स को स्टोर करना है, तो एक इंटीजर की साइज क्या होती है? एक इंटीजर की साइज होती है आपकी 4 बाइट।
तो 10 इंटीजर्स की साइज कितनी होगी आपकी, 40 बाइट्स। तो आपका जो एरे बनेगा वो 40 बाइट्स का बनेगा और उसमें एक मेमोरी यहाँ से स्टार्ट होगी और वो 40 बाइट तक आपकी कंटिन्यूस मेमोरी रहेगी और उसके बाद वो मेमोरी एंड हो जाएगी और उसके अंदर आप 10 इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। और जो हर एक इंटीजर स्टोर होता है उसका एक इंडेक्स बन जाता है। इंडेक्स मतलब कि वो कौन से नंबर पे है, जो सबसे पहले नंबर पे जो इंटीजर होगा वो 0 इंडेक्स पे रहेगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे रहेगा और जो सबसे लास्ट वाला है वो 9th नंबर पे रहेगा। एरेस के जो इंडेक्सेस होते हैं ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइप लगाना है कि ये एरे किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, डबल का है या किसी और टाइप का है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाना है, फिर उसके बाद आपको स्पेस छोड़नी है, फिर आपको एरे का नाम देना है, नाम आप कोई भी दे सकते हो, आप चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू लगाने के बाद वापस से आपको एरे का टाइप, वापस से ब्रैकेट्स और उसके बाद आपको एरे की साइज। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारी लाइन दिख रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर मैंने दोनों काम कर रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड को यूज किया है। ये न्यू कीवर्ड को मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि एरे नॉन प्रिमिटिव्स होते हैं, तो जब तक मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज नहीं करूंगा तब तक वो एक्चुअल में फिजिकल रियलिटी नहीं बनी मेरी, वहां पे मेरी स्टोरेज एलोकेट नहीं हुई। जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज किया है मेरी स्टोरेज एलोकेट हो गई और अगर इस एरे की साइज 10 है और ये इंटीजर टाइप का है तो वहां पे 40 बाइट स्टोरेज एलोकेट हो जाती है। अगेन यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है इसके अंदर दो काम हो रहे हैं, एक तो मैंने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करा है और एक मैंने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करा है। इसको मैं अलग अलग लाइंस में भी ब्रेक कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और जब हम एक बार एरे को डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद उस एरे के अंदर उस डाटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है। जब हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की बात करी थी तो वहां पे हमने ये समझा था कि हर एक प्रिमिटिव टाइप की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं। तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो जब मैं एक इंटीजर एरे को बनाऊंगा तो इस एरे के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे सारे की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मुझे किसी नंबर की वैल्यू को चेंज करना है तो मैं इंडेक्स को यूज करके चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एरे को बनाया, एरे को बनाने के बाद मैंने वहाँ पे क्या किया, फर्स्ट वाले नंबर को मैंने वहाँ पे 1 कर दिया, सेकंड वाले को 2 कर दिया, थर्ड वाले को 3 कर दिया एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इंडेक्सेस को यूज करते हैं। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो नंबर दिख रहा है 0, 1, 2, 3 ये एरे का इंडेक्स है। एरे जो होते हैं एरे मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मतलब हो सकते हैं एरे के अंदर एक सिंगल डायमेंशन भी हो सकता है, मल्टीपल डायमेंशन भी हो सकते हैं। सिंगल डायमेंशन एरे को कुछ इस तरीके से आप कल्पना कर सकते हो, यहाँ पे एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है और वो एक ही डायमेंशन में है। अब मैं एक एरे का भी एरे बना सकता हूँ, जैसे कि इंटीजर एरे का एरे बनाना है मुझे, तो उसके अंदर इस टाइप से आप कल्पना कर सकते हो, वहां पे आपको एक मैट्रिक्स की तरह आप इमेजिन करो उसको कि मेरे को रोज और कॉलम मिलती है, हर एक रो जो है ये खुद एक एरे है और हर एक रो के अंदर जो एक एलिमेंट है वो एक्चुअल में एक नंबर है। तो मल्टी डायमेंशनल एरेस को हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट्स को यूज करा है, जितने ब्रैकेट्स को हम यूज करेंगे उतने उसका डायमेंशन हो जाएगा एरे का। और यहाँ पे हमारे पास 2 इंडेक्सेस होंगे, एक हमारे बाहर वाले एरे का इंडेक्स और एक हमारे अंदर वाले एरे का इंडेक्स। तो अब हम सिस्टम पे चलते हैं और एरेस को कोड करके देखते हैं। जो भी हमने यहाँ पे एरे के बारे में समझा है सारा का सारा हम कोड में लिखेंगे, वहां पे हम इंडेक्सेस को यूज करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं एरे। एरे भी बहुत ही सिंपल सी चीजें समझने के लिए, एरे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया कि एरे क्या होते हैं। अब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और एरे को यूज करना समझते हैं। तो किस टाइप का एरे बनाया, इंटीजर टाइप का बना लेते हैं। सबसे सिंपल ये मैंने बनाया इंटीजर एरे, इसका एरे का नाम दे दिया एरे, इक्वल टू लगा के न्यू ऑपरेटर यूज करा, वापस इंटीजर और अब वापस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देने हैं। और अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है। ये एरर क्या है कि एरे की साइज देनी पड़ेगी मुझे। अगर मुझे 10 इंटीजर्स का एरे बनाना है तो मैं यहाँ पे 10 दे सकता हूँ एरे की साइज। तो ये मैंने यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर कर दिया और एरे को इनिशियलाइज कर दिया। जब भी हम एरे को बनाते हैं तो यहाँ पे उसके डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है एरे के अंदर। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। तो अब अगर मैं इस एरे को प्रिंट करूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मुझे 0 दिखेगा। देख लेते हैं एक बार, 0।
मैं कोई भी एरे के इंडेक्स को प्रिंट करूंगा तो मुझे जीरो ही दिखेगा, क्योंकि पूरे एरे के अंदर इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो गई है जो है जीरो। यहाँ पे मैं ये जो यूज कर रहा हूँ ये है एरे का इंडेक्स। अभी बताता हूँ मैं आपको, जो हमारे एरे के इंडेक्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, और जो एरे का इंडेक्स मैक्सिमम होता है वो होता है उसकी लेंथ माइनस वन। अगर एरे की लेंथ 10 है यहाँ पे तो माइनस वन मतलब कि 9, तो मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे 9 हो सकता है क्योंकि एरे की साइज ही है 10, तो 0 से 9 मतलब कि 10 इंडेक्स हो गया हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 9th वाले इंडेक्स पे मैंने यहाँ पे 100 को इंसर्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा यहाँ पे तो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, मुझे यहाँ पे 100 प्रिंट होना चाहिए। 9th वाले इंडेक्स पे मैंने 100 असाइन करा है तो यहाँ पे 100 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन उससे पहले 8th वाले इंडेक्स पे 7th वाले इंडेक्स पे क्या होगा, अभी भी 0 ही होगा, 0। तो यहाँ पे मैंने एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद उस एरे के अंदर मैंने कोई वैल्यू को डाल दिया। 9th वाले इंडेक्स पे मैंने 100 वैल्यू को डाल दिया। इस तरीके से मैं किसी भी इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। 1st वाले इंडेक्स पे मैं यहाँ पे मान लो -900 डाल देता हूँ। अब अगर हम इस एरे को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। 1st वाले इंडेक्स पे मुझे 900 आना चाहिए और वापस से 9th वाले इंडेक्स पे 100 आना चाहिए और 7th वाले इंडेक्स पे एज यूजुअल 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर कर देते हैं, एरे के इंडेक्स को यूज करके हम उसके अंदर कोई वैल्यू को डाल सकते हैं और वापस उन वैल्यूज को निकालने के लिए वापस से हम इंडेक्स को यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं ये उसके इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। चलो ठीक है, अब हम इंटीजर के अलावा किसी और टाइप का भी एरे बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एरे बना सकते हैं। वापस से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एरे वन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसकी लेंथ में दे देता हूँ 5। अब क्या होगा, अब मैं वापस से इसके किसी भी इंडेक्स पे स्ट्रिंग का कोई भी टाइप डाल सकता हूँ, जैसे कि रितेश। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 वाले इंडेक्स पे रितेश को डाल दिया। अब मैं अगर इसको वापस से प्रिंट करने जाऊंगा देखते हैं एक बार क्या होगा, 0 यहाँ पे रितेश प्रिंट होना चाहिए, ये रहा। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई इंडेक्स यूज करता हूँ जो कि उसके रेंज से बाहर है, जैसे कि 4 तक मैं जाऊंगा तो 4 तक सही है, 0 to 4 is 5, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 5 पे जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ना आपको एक एरर मिलेगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। ये एक जावा के अंदर एक्सेप्शन होती है, इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे जो इंडेक्स यूज करा है वो इसके बाउंड से ही बाहर है। अभी करके देखते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इसका कहने का मतलब यह है कि इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5, एरे की लेंथ 5 है और मैं 5 इंडेक्स को यूज कर रहा हूँ। 5 इंडेक्स मतलब कि मैं 6th नंबर वाले जो भी उसमें डाटा पड़ा है उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं नहीं कर सकता, उसकी मैक्सिमम साइज ही 5 है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन अगर आपको मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपने इंडेक्सेस को गलत तरीके से साइज के बाहर गया है वो। यहाँ पे मैं माइनस इंडेक्स भी यूज नहीं कर सकता, एरे के इंडेक्स कभी भी माइनस में नहीं होता है, मिनिमम ही उसका 0 होता है तो माइनस में नहीं होता उसका। फिर से एक्सेप्शन आ गई है, सेम एक्सेप्शन आई है क्योंकि उसके बाउंड से बाहर है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको कहा था एरे में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो स्ट्रिंग के केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। अब क्योंकि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है और मैंने 0 वाले इंडेक्स पे रितेश को तो डाल दिया, बट 1st, 2nd, 3rd, 4th इंडेक्स पे मैंने किसी को भी नहीं डाला, तो वहां पे उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। नल का मतलब ये है, जावा के अंदर नल का कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि आपका ये जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट लोकेशन को पॉइंट करता है, तो वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। 0 वाले इंडेक्स पे तो रितेश है, लेकिन 1st वाले इंडेक्स पे मैंने कुछ डाला ही नहीं है तो वहां पे नल पड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं पड़ा वहां पे। तो यहाँ पे नल आना चाहिए आपको, नल। नल मतलब कि 1st पे कुछ भी नहीं है, जब तक मैं उसको असाइन नहीं करता तब तक वहां पे कुछ होगा ही नहीं। अब मैंने यहाँ पे 1st वाले इंडेक्स पे जैसे कोडिंग दुनिया डाल दिया, तो अब यहाँ पे आपको नल नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, कुछ वैल्यू डाल दिया मैंने यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये है हमारे वन डायमेंशनल एरे, मतलब कि ये सिंगल डायमेंशन एरे है। इस तरीके से आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे भी होते हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे को बनाने के लिए जितने डायमेंशन होंगे आप उतने ब्रैकेट्स को यूज करोगे। यहाँ पे 2 डायमेंशन को बना रहा हूँ तो 2 ब्रैकेट्स को यूज करोगे। यहाँ पे एरे का नाम इक्वल टू साइन लगा के न्यू एंड
ठीक है, अब अगेन यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि मैंने एरे की साइज नहीं दी है। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के टाइम पे हमें आउटर वाले एरे की साइज देना जरूरी होता है, इनर वाले एरे की साइज देना जरूरी नहीं है। तो आउटर वाले के एरे की साइज मैं 2 दे देता हूँ, इनर वाले की मैंने कोई भी साइज नहीं दी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं एरे 0 इक्वल टू न्यू इंट, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, मतलब कि एरे का भी एक एरे है, तो 0 वाले इंडेक्स पे मैं एक एरे को इंसर्ट कर सकता हूँ, वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकता, एरे को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, न्यू इंट 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशन का एरे बनाया और उसके 0 वाले इंडेक्स पे मैंने एक अलग से एरे बना दिया जिसकी साइज है 5, ठीक है, और 1 वाले इंडेक्स पे मैंने एक एरे बनाया जिसकी साइज मैं कुछ अलग दे सकता हूँ, जैसे कि 10। तो ये होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे का भी एक एरे। ये जो है आपको यहाँ पे ये जो 0 दिख रहा है ये आउटर एरे का इंडेक्स है। 0 वाले इंडेक्स पे मैंने एक एरे को बना दिया जिसकी साइज है 5, 1 वाले इंडेक्स पे मैंने एक एरे को बना दिया जिसकी साइज है 10। अब अगर मुझे इस एरे के अंदर किसी नंबर को डालना है तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे एक आउटर एरे का इंडेक्स देना पड़ेगा, फिर मुझे इनर एरे का इंडेक्स देना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू को इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि 1000। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं एक बार। प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 1000 ही मिलेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 0 0। और अब अगर मुझे मान लो सेकंड वाले एरे में कुछ डालना है तो सेकंड वाले एरे के लिए इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, बाहर वाले का 1, और अंदर वाले का इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, 9 तक जा सकता है, क्योंकि उसकी लेंथ क्या है, 10 है। तो अगेन मैं यहाँ पे इसको 190 अगर इंसर्ट करता हूँ तो अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ 1 और 9। अगर मैं यहाँ पे कुछ और प्रिंट करके देखता हूँ, जैसे कि 5th वाले इंडेक्स पे, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है इंटीजर्स की, 0। ये होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा इस तो एज यूजुअल आप कमेंट कर सकते हो। हम लोगों ने आज बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी नॉलेज भी आप लोगों को मिल गई होगी मुझे उम्मीद है। लेकिन अभी यार एक टॉपिक और है जिसको हमें समझना है। डाटा टाइप्स के बारे में बात कर ली, वेरिएबल्स के बारे में बात कर ली, एरेस के बारे में बात कर ली, तीनों का कोड भी लिख के देख लिया, लेकिन एक पॉइंट अभी भी बचा है जो कि आपको बताना ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जन। अब ये क्या बला है समझते हैं। तो जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का एक टाइप होता है, ठीक है। अब कभी कभी हमें प्रोग्राम में एक वेरिएबल के टाइप को दूसरे वेरिएबल के टाइप में बदलने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, मतलब कि मैंने किसी एक वेरिएबल के टाइप को किसी दूसरे वेरिएबल के टाइप में बदल दिया। जावा दो तरीके से ये चीजें करता है, एक तो वो अपने आप ही कर देता है, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो तो उसकी ऐड है कि उसने कर दिया, जैसा उसका मन करता है वो कर देता है, हमें वो सही करके देता है चीजें। एक होता है कि हमें खुद मैन्युअली करने की जरूरत पड़े, तो जो ऑटोमेटिकली जावा कर देता है उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन्स। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन्स में 2 कंडीशन मैंडेटरी होना जरूरी है, तभी वो ऑटोमेटिकली टाइप को कन्वर्ट करता है। नंबर 1, दोनों वेरिएबल्स के टाइप आपस में कंपेटेबल होने चाहिए, जैसे कि इंटीजर टाइप आपस में कंपेटेबल है। सेकंड कंडीशन में जो आपका डेस्टिनेशन वाला टाइप है वो आपके सोर्स वाले टाइप से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि मैं इंटीजर को डबल में असाइन कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली जावा कर देगा, क्योंकि डबल का साइज होता है 64, इंटीजर का होता है 32, तो डेस्टिनेशन वाला सोर्स से बड़ा है। तो जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है, जावा अपने आप ही कर देता है। इस कन्वर्जन को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन। वाइडनिंग मतलब मैंने कुछ बड़ा कर दिया, जो रेंज मेरी छोटी थी, सोर्स मेरा जो था वो स्मॉल था, उसको मैंने टारगेट में असाइन कर दिया और टारगेट जो है उसका साइज बड़ा है। इंटीजर्स को मैं डबल में कर सकता हूँ, बाइट को मैं शॉर्ट में कर सकता हूँ, शॉर्ट को मैं इंट में कर सकता हूँ, इंट को मैं लॉन्ग में कर सकता हूँ। इसको एक बार हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे चलते हैं और कोड लिख के देख लेते हैं। तो टाइप कन्वर्जन में ना 2 तरीके से टाइप कन्वर्जन होता है। एक होता है आपका ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में तो जावा अपने आप ही टाइप को कन्वर्ट करके दे देता है। उसकी कंडीशंस क्या होती हैं एक बार रिव्यू कर लेते हैं उसको। तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन्स के लिए 2 कंडीशन मैंडेटरी होना जरूरी है। पहली कंडीशन ये है कि दोनों टाइप्स आपस में कंपेटेबल होने चाहिए। इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप आपस में कंपेटेबल है, ठीक है। कैरेक्टर और बुलियन आपस में कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर और बुलियन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी कंपेटेबल नहीं है,
ठीक है, तो अब इस चीज को ना एक बार करके देख लेते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इंटीजर बनाता हूँ आई इक्वल टू 10 और मैंने यहाँ पे एक फ्लोट बनाया एफ इक्वल टू आई। ये वैलिड है क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर्स आपस में कंपेटेबल हैं और जो मेरा डेस्टिनेशन वाला टाइप है वो सोर्स से बड़ा है मेरा। यहाँ पे वापस से जाते हैं, बाइट को मैं शॉर्ट में असाइन कर सकता हूँ, शॉर्ट को मैं इंट में असाइन कर सकता हूँ, इंट को लॉन्ग में, फ्लोट में, इस तरीके से। तो लॉन्ग को मैं फ्लोट में असाइन कर सकता हूँ, करके देख लेते हैं। लॉन्ग एल इक्वल टू कोई भी बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, लगता है ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। फ्लोट एफ एफ इक्वल टू एल, तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है जो लॉन्ग का है उसको मैंने फ्लोट में बदल दिया। जावा ने अपने आप ही मुझे कन्वर्ट करके दे दिया, ये मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन के लिए जो दो कंडीशंस मैंडेटरी होना जरूरी है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन तो दोनों आपस में कंपेटेबल होने चाहिए, फुलफिल हो रहा है, और दूसरा कंडीशन जो आपका डेस्टिनेशन वाला टाइप है वो आपके सोर्स वाले से बड़ा है। अब जो हमारी फ्लोट की रेंज होती है, फ्लोट की रेंज बहुत ज्यादा होती है, 10^38 तक उसकी रेंज जाती है, तो ऑब्वियसली ये नंबर तो फ्लोट में आ ही जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हुआ है। ये चारों केसेस में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हुआ है। तो ये तो हो गई ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन की बात। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन के अलावा एक सेकेंड कन्वर्जन भी होता है जो हम मैन्युअली खुद करते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट मतलब कि मैं खुद स्पेसिफाई कर रहा हूँ जावा को कि यहाँ से यहाँ में कन्वर्ट कर दो आप। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप मान लो मेरे पास एक इंटीजर है जिसको मैंने वैल्यू 10 असाइन कर रखा है यहाँ पे इस तरीके से। अब ये जो वैल्यू 10 है मैं इस इंटीजर को चाहता हूँ कि बाइट में बदल जाए, ये इस तरीके से कि बाइट बी इक्वल टू आई। बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो बाइट है और जो आई इंटीजर है वो उसकी साइज है 32 बिट, तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जन नहीं होगा। बट यहाँ पे जो मेरे इंटीजर की वैल्यू है 10 वो तो बाइट की रेंज के अंदर है ना, बट फिर भी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि उसका कंप्यूटर में फिजिकल साइज कम है इवन दो उसकी रेंज उसके अंदर है। तो इस टाइप के कन्वर्जन को हमें मैन्युअली करना पड़ता है। और इस टाइप के कन्वर्जन को हम कैसे करते हैं, इस टाइप के कन्वर्जन को हम करते हैं कास्टिंग यूज करके। कास्टिंग को कैसे यूज करते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने इंटीजर आई इक्वल टू 10 मतलब मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू है 10 और जिसका नाम है आई। फिर मैंने उसमें क्या किया, बाइट के अंदर उस आई को असाइन कर दिया और वहां पे मैंने दो ब्रैकेट्स लगा रखे हैं और वहां के अंदर मैंने डेस्टिनेशन वाला टाइप दे रखा है। तो इधर जो मेरा सबसे राइट में आए है वो बाइट में बदल जाएगा और आगे जाके वो बाइट में असाइन हो जाएगा। ये होता है टाइप कास्टिंग। और यहाँ पे मैंने एक तरीके से नैरोइंग कन्वर्जन कर दिया, जो बड़ी वाली रेंज का जो डाटा टाइप था उसको मैंने छोटी रेंज में बदल दिया। कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है बट मोस्टली हम ऐसा नहीं करते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ये समझाने के लिए दिया है। टाइप कास्टिंग जब भी हम करते हैं हम हमेशा ये वाला सिंटैक्स यूज करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें डेस्टिनेशन वाला टाइप लिखना होता है। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक डबल है, उसका वेरिएबल का वैल्यू है 10.7। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया डबल डी इक्वल टू 10.7, एक वेरिएबल बन गया जिसका साइज है 64 बिट्स और जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है 10.7। ये एक प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा खुराफाती दिमाग लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इंटीजर में असाइन कर दूँ। लेकिन जब मैं इसको इंटीजर में असाइन करूँगा तो कैसे होगा ये असाइन इंटीजर के अंदर, इस तरीके से। इंटीजर आई इक्वल टू कास्टिंग वाला मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लगाया, कीवर्ड लगाया और आगे लिख दिया मैंने डी। तो डी की जो भी वैल्यू है वो अब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और जब वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे हमें एक नुकसान भी मिलेगा कि जो 10.7 में जो 0.7 है ना वो ड्रॉप हो जाएगा और जो इंटीजर आई की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो सिर्फ 10 ही मिलेगी। इसको बोलते हैं ट्रंकेशन, मतलब कि यहाँ पे डॉट डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स हैं उन सबको हमने ट्रंकेट कर दिया और जो होल नंबर जो बचता है उसको मैंने इंटीजर में असाइन कर दिया। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास इंटीजर आई इक्वल टू 200 है, ठीक है, और इस 200 को मैं बाइट में असाइन करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, बाइट बी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर मैंने बाइट लगाया और आगे आई लिख दिया। अब जो आई है वो बाइट बन जाएगा और वो बी में जाके स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। लेकिन यहाँ पे एक एरर है ना, एरर ये है कि बाइट की जो रेंज होती है वो तो 127 तक होती है और आई को मैंने 200 लगा रखा है,
तो अब ये कैसे कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होता है मॉड्यूलो निकाल के। मॉड्यूलो मतलब कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, हम 200 को 127 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वो आपके बाइट बी में स्टोर होता है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 300 होता तो रिमाइंडर क्या बचता आपका? रिमाइंडर बचता आपका 46, क्योंकि 127 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा आपका 254। 300 में से 254 गए, आपका 46 बच गया, तो बाइट बी के अंदर आपको 46 ही मिलेगा। जो भी वैल्यूज होती हैं, अगर हम बड़े वाले साइज से छोटे वाले साइज में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ वैल्यूज को तो लूज करना पड़ेगा, तो वहां पे मॉड्यूलो ऑपरेशन यूज होता है। जो रिमाइंडर बचता है वो ही उस वैल्यू में जाके स्टोर हो जाता है। अब जो हमने यहाँ पे टाइप कन्वर्जेंस समझे हैं, इनको एक बार जरा सिस्टम पे चलते हैं और प्रैक्टिकली कोड लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे है एक्सप्लिसिट टाइप, मतलब कि मैनुअल टाइप कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। मैं खुद जावा को कह रहा हूँ कि टाइप को कन्वर्ट करके दो मुझे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीजर आई इक्वल टू 10, ठीक है सर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये इंटीजर आई है ना, ये बाइट में कन्वर्ट हो जाए, बाइट बी इक्वल टू आई। यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे इसने एरर दे दी मेरे को। एरर क्या है? वो तो सिंपल सी एरर है कि आप यहाँ पे बाइट को एक्सपेक्ट कर रहे हो बट वहाँ पे टाइप है इंटीजर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इंटीजर है वो सोर्स है मेरा, और सोर्स जो है उसको मैं बाइट में असाइन कर रहा हूँ, तो सोर्स जो है वो बड़ा है और बाइट जो है वो छोटा है। यहाँ पे जो 10 जो वैल्यू है ना, ये बाइट की रेंज के अंदर है, बिल्कुल है, लेकिन ये फिर भी इसको कन्वर्ट नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि उसकी जो साइज बनती है मेमोरी में वो तो 32 बिट्स है इसकी, और इसकी सिर्फ 8 बिट्स है। तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे कास्टिंग ऑपरेशन को यूज करना पड़ेगा। कास्टिंग ऑपरेशन किस तरीके से यूज करते हैं? इस तरीके से, यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट्स लगाने हैं और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन वाला टाइप देना है। अब जैसे ही मैंने ये काम किया, क्या हुआ, यहाँ पे जो इंटीजर आए है वो मेरा बाइट में बदल जाएगा और यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी? यहाँ पे 10। तो इस तरीके से जब हम बड़ी वाली वैल्यूज को छोटी वाली वैल्यूज में डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं नैरोइंग कन्वर्जन। एक बार देख लेते हैं, ये है नैरोइंग कन्वर्जन हमारा। यहाँ पे मैं डबल को फ्लोट में डाल सकता हूँ, लॉन्ग में डाल सकता हूँ, इस तरीके से मैं रेंज को छोटा करता जा रहा हूँ। तो जब हम रेंज को कम करते हैं ना तो हमें वहां पे नुकसान भी होता है, हमें वहां पे डाटा का लॉस हो जाता है। कैसे लॉस होता है उसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डबल है, डबल डी इक्वल टू 10.7। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस डबल को मैं इंटीजर में डाल दूं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे पहले तो एरर आ रही है मेरे पास कि यार ये डबल है, डबल को मैं इंटीजर में नहीं ले सकता, ठीक है, तो मैं इसको इंटीजर में कास्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको इंटीजर में कास्ट कर दिया, अब क्या होगा, अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे प्रिंट हुआ 10, जबकि यहाँ पे मेरे पास था 10.7। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, डबल में तो हम डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं बट हम इंटीजर में डेसिमल नंबर्स को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इंटीजर में जब हम डबल को जब हम इंटीजर में डालते हैं तो जो भी उसके डेसिमल के बाद जो भी होता है वो ड्रॉप हो जाता है, ट्रंकेट हो जाता है वो वहां पे। ये हमें नुकसान है और जावा ये हमें करके दे देता है। जावा ये कहता है कि आप एक प्रोग्रामर हो, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये मेक श्योर करो कि कोई भी वहां पे लॉस ना हो। अगर आप फिर भी मुझे जबरदस्ती बोलोगे कि डबल को इंटीजर में डाल दो तो मैं डाल दूंगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी नुकसान होगा वो आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है आपका टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जन। ये जो है ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, हमें जर्नली इस तरीके से करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब भी हम एप्लीकेशंस को बनाते हैं, कोड लिखते हैं, तो मतलब ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि एक होता है ऑटोमेटिक कास्टिंग और एक होता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ऑटोमेटिक में जावा अपने आप ही करके दे देता है, अगर मैं अपनी रेंज को बड़ा कर रहा हूं तो जावा अपने आप ही करने देगा मुझे, लेकिन अगर मैं अपनी रेंज को कम कर रहा हूं तो वहां पे हमें कुछ नुकसान मिलेगा और हमें वहां पे मैन्युअली करना पड़ेगा कास्टिंग यूज करके। इस तरीके से हम कास्टिंग को यूज करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जो भी लिखा हुआ है ये मेरा डेस्टिनेशन वाला टाइप है, डेस्टिनेशन मेरा इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि ये डबल को इंटीजर में बदल दिया जाए, इस तरीके से कास्टिंग यूज करके मैं कर सकता हूँ। जब हम अपनी क्लासेस बनाते हैं, जब हम अपने क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो हम वहां पे ना इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओप्स कंसेप्ट्स के बारे में समझा था, तो उस केस में क्या होता है ना कि हम अपने चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स में असाइन कर सकते हैं, वहां पे जाके हमें कास्टिंग का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे।
तो वेलकम बैक टू द ब्लैक बोर्ड। अब हम ब्लैक बोर्ड पे फिर से वापस आ गए हैं। हमने यहाँ पे डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स और एरेस को समझ लिया। इन तीनों का हमने यहाँ पे कोड भी लिख के देख लिया। कोड को चलाया, मस्त चल रहा था एकदम कोड, हमें कोई एरर भी नहीं आ रही थी। जहाँ पे एरर आनी चाहिए थी वहाँ पे एरर आ रही थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जिन टॉपिक्स के बारे में बात करी आपको वो क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आए होंगे। अगर आपको आज के टॉपिक्स को लेके कोई भी डाउट हो गाइस, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लो। क्या ही जाता है मतलब सब्सक्राइब करने में, आपको ये सारे के सारे वीडियोस आपके इनबॉक्स में मिलते रहेंगे, खट 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 खट, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर।